हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस स्मार्ट कार्ड जो आता है टेस्ट पास कर लेने के बाद, उसका स्टेटस क्या है, मतलब किस स्टेज पे है, वो डिस्पैच हो गया है या नहीं हुआ। तो उसके लिए आपको ऑनलाइन चेक करने के लिए इस वेबसाइट को ओपन करना है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, तो इसको ओपन करते हैं हम लोग। सो ये परिवहन सेवा वेबसाइट है जिसपे ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन के सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी आपको। ऑनलाइन सर्विस में जाएगा, ये ड्राइविंग लाइसेंस और RTO का बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन है इसमें, तो हमें इस पे जाना है, ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज। इसको ओपन करने के बाद ये बहुत सारे ऑप्शन आ गए ऑनलाइन सर्विसेज के जो कि ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड है, तो इसमें हमें क्लिक करना है एप्लीकेशन स्टेटस पे। ओके, ये पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको जब आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया था ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, उस टाइम आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिला होगा जो सबसे फर्स्ट टाइम मिला है। उसके बाद और भी आते हैं, लर्नर का आता है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर आता है, वो सब नहीं चाहिए हमें। हमें जो सबसे फर्स्ट वाला था जो कि अब फॉर्म अप्लाई करते वक्त मिला होगा, तो वो यहाँ पे डालना आपको। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ डालना फिर आपको कैप्चा भरो यहाँ पे। ओके, तो ये सारा डिटेल्स आ जाता है आपको ड्राइविंग लाइसेंस से। तब भी चाहते हैं इसको स्क्रॉल करके नीचे, आप देखो यहाँ पे एक द लेटेस्ट, प्लीज क्लिक ऑन इट। ये तो मैं अभी लॉग इन किया, तो ये सारे चीज स्टेज जो है कंप्लीट हो गया, और जो करेंट स्टेज है वो यहाँ पे दिखेगा आपको, करेंट स्टेटस। सो यहाँ पे आप देखो एप्लीकेशन इज अंडर प्रोसेसिंग एट RTO लेवल, मतलब अभी ये प्रोसेस में ही है, प्रिंट नहीं हुआ है। यहाँ देखो प्रिंटिंग ऑफ DL इनफॉर्म 7 स्मार्ट कार्ड काउंटर नंबर 5 पे प्रिंट के लिए अभी भी प्रोसेस में ही है। और इसके बाद अगला स्टेज क्या है वो आप यहाँ पे देखो दिया हुआ, व्यू मोर पे क्लिक करने पे लास्ट स्टेप एक बच गया जो कि है डिस्पैच। तो जब ये प्रिंट हो जाएगा उसके बाद ये स्पीड पोस्ट से आपको जो एड्रेस आपने दिया होगा वहाँ पे सेंड कर देंगे। और मेरा ऑलमोस्ट ये देखो आप अप्रूवल ऑफ DL 2 मार्च को हुआ था, और आज है 30, आज 1 अप्रैल हो गया, बट अभी तक ये प्रिंट प्रोसेस नहीं है, तो इसमें मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हो। सो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।